भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनाई माता मंदिर प्रारंभ करायेल भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा मांगरोल विधानसभा मत विस्तार जंकवाव खाते पहुंचता भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत कर मांगरोल जंकवाव खाते योजना भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में मांगरोल तालुका उमरगाम तालुका में रहता सरकारी निवृत्त कर्मचारी नानी पारडी गामना डेप्यूटी सरपंच सहित 20 कांग्रेसी अग्रणी भाजपा जोड़ाया था। आ कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सारुंता दाहोदना सांसद जसवंत सिंह भामोर बारडोली सांसद प्रभु वसावा आदिजाति मोर्चा प्रमुख हर्षदभाई वसावा जिला प्रभारी भरत राठौड़ सूरत जिला संगठन प्रमुख संदीप देसाई सहित भाजपा आगे उपस्थित रहा था। हमारे साथ है गुजरात विधानसभा के पूर्व मंत्री आदरणीय गणपत भाई वसावा जी। गुजरात प्रदेश में 5 यात्राएं प्रारंभ की गई हैं, जिसमें एक यात्रा है भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा। आज माड़ी से राजपिपला नर्मदा तक 139 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा है, जिसमें कई स्थानों पर सभाएं हैं, स्वागत है और लोगों के साथ सरकार की योजनाओं को लेकर वार्तालाप भी है। मैं जनजाति कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में देश के 10.5 करोड़ आदिवासियों के विकास और भलाई के लिए काम कर रही हूँ। गुजरात के इस यात्रा के प्रमुख के रूप में आज गुजरात की जनता के सामने हूँ। जब देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने आदिवासियों की दशा सुधारने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में किया। तब से लेकर अभी तक एक बहुत बड़े बजट के साथ हमारी सरकार जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। आज का वर्तमान बजट हमारा 84,000 करोड़ का है और हम विभिन्न प्रकार के स्कीमों के साथ देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जो स्टूडेंट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लगभग 32,08,154 विद्यार्थियों को हम DBT के माध्यम से स्कॉलरशिप देते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय का एक ब्रांच है ट्राइफेड, जिसमें देश भर से लघु अनुपज खरीदी करने का काम हम ट्राइफेड के माध्यम से करते हैं और देश के विभिन्न शहरों में 139 आउटलेट है, हमारे शोरूम हैं और उन शोरूम में जो जनजाति अपने हाथ से, जो हमारे कलाकार होते हैं अपने हाथ से बनाए हुए सामानों को वहाँ पर रखते हैं और उनकी बिक्री होती है। पूरे साल भर में हम 24 आदि महोत्सव का आयोजन करते हैं, वो दिल्ली शहर में भी होता है, गुजरात के अहमदाबाद में भी आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसमें जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, उनको उनके घर से लाने का काम, उनको स्टॉल दिलाना और उन्हें तमाम प्रकार की सुविधा देने का काम भी ट्रैवल मंत्रालय करती है और इससे जो बेनिफिट होता है वो सीधे उनका रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हमारी पार्टी ने कहा था कि हम